हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी के प्री पीएचडी टेस्ट का पेपर वन, जो कि जनरल स्टडीज़ है, इसका क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और अभी क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग विल कम द रैंडम सैम्पलिंग डन ऑफ नंबर्स ऑफ स्मॉलर नॉन ओवरलैपिंग एरियाज अंडर अ बिग एरियाज ऑफ रिसर्च। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट है, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकली लॉन्गर यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अलाउड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मूवीज इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स ETC आर स्टोर्ड। वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइल सर्वर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन रैम, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लोगो, सी, MS Word, बेसिक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MS Word। क्वेश्चन नंबर 31 है, द स्पीड ऑफ अ क्लॉक इन अ कंप्यूटर इज यूजली मेजर्ड इन सेकेंड्स, हर्ट्ज, रैम, बाइट्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स सिंटैक्स एरर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, ऑर्गेनिज्म इफेक्टिव इफेक्टिंग कंप्यूटर, लॉजिकल एरर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉजिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस फॉर कंप्यूटर, CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CPU। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरएक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक, लेक्चर, वर्कशॉप, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, 52, 51, 48, 43, 34, 27, 16। ये जो है पूरे सीक्वेंस दिए गए हैं, और इसमें आपको इसके बाद 16 के बाद क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें देखो, अगर आप एक चीज़ देखोगे, ये रीजनिंग है कि 52 और 51 के बीच में एक गैप है, 51 और 48 के बीच में तीन गैप है, 48 और 43 के बीच में 5 गैप है। तो इसी तरह आप देखोगे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे गैप होता जा रहा है। तो फिर यहाँ पे जो है वो 13 का गैप होगा, और उस हिसाब से यहाँ पे आंसर जो है वो रॉन्ग, इसमें से सॉरी, इस क्वेश्चन में आपको ये जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करना है कि 52 और 51 के बीच में एक डिफरेंस है, 51 और 48 के बीच में 3 डिफरेंस है, 48 और 43 के बीच में 5 डिफरेंस है। तो उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे अब 7 डिफरेंस होना चाहिए था, यानी कि 43 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 34 है, यानी कि ये वाला जो सीरीज है इसमें 34 जो है गलत है, वहाँ 36 होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 GB इज इक्वल टू 2 to the power 30 bytes,
bits, 2 to the power 30 bytes, 2 to the power 20 bits, 2 to the power 20 bytes. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 to the power 30 bytes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स, विंडोज, लिनक्स, मैक, गूगल. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गूगल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, लेप्टोकर्टिक स्क्यूड, जीरो स्क्यूड. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीरो स्क्यूड. क्वेश्चन नंबर 39 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउजर, आईपी एड्रेस. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राउजर. क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज कंसिडर्ड एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वेलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच. इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा. क्वेश्चन नंबर 41 है, द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज एक्शन रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्शन रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन इंस्टीट्यूशन इज डन थ्रू MMS, EBB, WN, LAN. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, LAN. क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस, स्किल्स, नॉलेज, मैच्योरेशन, एटीट्यूड. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैच्योरेशन. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड अंडर डेवलपमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेक्शन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, आर्टिकल 51A, आर्टिकल सी, आर्टिकल 51A का H, आर्टिकल 51A का A या फिर आर्टिकल 51A का G. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 51A का H. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी टेलीकास्ट इंटरेक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल, अन्ना मेलिया यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी. इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 47 है, अ रिसर्च डिवोटेड यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन 1972 इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस, टोक्यो, जापान, न्यूयॉर्क, USA, जेनेवा, स्विट्जरलैंड. तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोक्यो, जापान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ अ गुड रिसर्च स्टूडेंट एक्सेप्ट वन, शुड बी रेप्लीकेबल, शुड बी सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव, शुड बी एथिकल एंड अनबायस्ड, शुड बी अनएथिकल एंड बायस्ड. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुड बी अनएथिकल एंड बायस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट गुड रिसर्च, एम्पिरिकल, लॉजिकल, सिस्टमेटिक, नॉन रेप्लीकेबल. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन रेप्लीकेबल. क्वेश्चन नंबर 50 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च द डेवलपमेंट ऑफ COVID-19 वैक्सीन कम्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च.